ये जो आप देख रहे हैं ये है ड्यूक 200 का मीटर, बहुत बुरी कंडीशन में है और इसमें डिस्प्ले का भी प्रॉब्लम है और बोर्ड का भी। तो इसमें पहले ऑरेंज लाइट थी और इसमें हम करने वाले हैं सियान ब्लू कलर। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक शर्मा, स्वागत है आपका मेरे चैनल शर्मा डिजिटल मीटर रिपेयर में। ये मीटर मेरे पास आया है गाजियाबाद से, गाजियाबाद में एक मैकेनिक है, उनके द्वारा ये मीटर मेरे पास आया है। तो चलिए फटाफट से इसको अनबॉक्स करते हैं। ये देखिए मीटर की कंडीशन, किस कंडीशन में मेरे पास आया है। किसी बंदे ने पूरा डक्ट टेप से इसको पैक किया है, बहुत बुरी कंडीशन थी मीटर की। तो सबसे पहले खोल के इसके अंदर की कंडीशन देख लेते हैं। मीटर इजीली खुल गया है और ये ऊपर की डक्ट टेप आपको हटा के इसकी कंडीशन दिखा देता हूँ। देखिए कितनी बुरी हालत है मीटर की, कितनी बार पानी गया होगा भगवान जाने। तो सबसे पहले तो इसका जो बैक कवर है इसको अलग कर लेते हैं। इसके लिए बिना रबड़ को फाड़े अंदर के अंदर ही मैं इसका सॉकेट का लॉक खोल के और इसको निकाल लेता हूँ। अभी आ जाते बोर्ड पे। बोर्ड कोई बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन में नहीं दिख रहा है मुझे और बोर्ड अभी तक ऑन है, तो बहुत ज़्यादा वाटर डैमेज नहीं हुआ है। बट ऊपर की हालत देख के समझ में आता है कि अच्छा खासा वाटर डैमेज हुआ होगा, बट हुआ नहीं है। थोड़ा मॉइस्चर डैमेज है जिसकी वजह से डिस्प्ले वगैरह इसका इस टाइप का हो गया है और मैं अभी आपको बता देता हूँ, वीडियो में आगे जाके भी बताऊँगा ही। तो इसका डिस्प्ले जो है वो रिपेयर नहीं हो पाया, मैंने काफ़ी ट्राई किया, इससे ज़्यादा रिपेयर नहीं हो पाया। और थोड़े थोड़े मैं जब इसमें ट्राई करने लगा रिपेयर करने का, तो ये जो आपको नोटिफिकेशन दिख रहा है ये भी कट कट के आने लगा था, क्योंकि मीटर में अच्छा खासा पानी जा चुका था और जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम बढ़ते 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 इसके डिस्प्ले के जो ग्लास आईसी होती है उसके नीचे पानी चला गया था। और एक बार भी अगर ग्लास आईसी को पानी लग जाए तो और वो लूज़ हो जाए अपनी जगह से, तो रिपेयर होना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे मैं इसकी ये जो बैकलाइट है इसके कनेक्शन निकाल रहा हूँ ताकि बैकलाइट इसकी सही रहे। अभी तक भी इसकी बैकलाइट ठीक है और हम इसी बैकलाइट पे इसके लाइट्स जो है वो चेंज करेंगे। इसमें हम कलर मॉडिफाई करके इसको सियान ब्लू में कन्वर्ट करने वाले हैं। बोर्ड वाटर डैमेज हुआ है बट डेड नहीं हुआ था अभी तक, आने वाले टाइम में डेड भी हो जाता। तो बैकलाइट का जो बेस है वो हमें काफ़ी ध्यान से रखना है संभाल के, क्योंकि इसी बेस में हमें लगानी है सियान ब्लू कलर लाइट। तो इसको केमिकल से मैं साफ़ कर लेता हूँ मीटर को, जो थोड़ा बहुत ही वाटर डैमेज हुआ है, ताकि अब उससे आगे जाके कुछ प्रॉब्लम ना हो। नहीं तो बहुत से लोग क्या करते हैं, मीटर एक बार थोड़ा सा भी चल जाए बस फिर उसको पैक करके दे देते हैं। और उसमें क्या होता है, जो वाटर डैमेज के जो मार्क्स रह जाते हैं पुराने, जिस पार्ट को वो लगा रहता है, जिस पार्ट जो पार्ट उसने खाना एक बार स्टार्ट कर दिया है, वो पार्ट धीरे 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 एक टाइम बाद ख़राब हो जाएगा। भले ही वो 4 दिन में ख़राब हो चाहे 4 महीने में ख़राब हो, पर हमेशा चलता रहे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वाटर डैमेज एक बार जिस चीज़ को खाना शुरू कर देता है उसकी पूरी सेफ्टी कोटिंग वो उतर जाती है, हो जाता है। तो अभी आप ये देख रहे हैं ऑरेंज कलर का इसमें लाइट है, जो लाइट हमारा बिल्कुल ओके है, बोर्ड हमारा ओके है, बोर्ड को हमने सिर्फ क्लीन कर दिया है। तो ये है, मैंने कुछ डिस्प्ले मंगाई थी, अब तो डिस्प्ले मिलनी ही बंद हो गई है बिल्कुल, जो पड़ी हुई है पुरानी बस उसी से काम चला रहे हैं। तो इसमें भी डिस्प्ले में भी सब कुछ ओके नहीं मिलती थी। अभी आप देखेंगे ये जो डिस्प्ले मैं इसमें लगा रहा हूँ इसमें भी एक प्रॉब्लम है। अब जहाँ से मंगा रहे हैं वहाँ पे इस चीज़ की कोई सुनवाई नहीं है, जैसा आ रहा है रखो नहीं तो आगे से माल भी नहीं मिलेगा। तो ये डिस्प्ले तो ख़राब निकल गया, इसका नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, तो दूसरा डिस्प्ले हम इसमें लगाएंगे और चेक करेंगे। कभी कभी ये प्रॉब्लम बोर्ड का भी होता है तो इसलिए क्रॉस चेक करना ज़्यादा ज़रूरी है, पर हमने देख लिया, दूसरा डिस्प्ले लगाया हमने, ये कंप्लीट वर्किंग है, तो ये वाला डिस्प्ले हम इसमें फिट करेंगे। तो ये हमने इसका डिस्प्ले निकाल दिया अभी इसमें से, और इसके पीछे जो ये बैकलाइट का जो एक सपोर्ट लगा हुआ है ये सिर्फ वैसे ही है, ये ख़राब है। तो हम इसमें इसकी ओरिजिनल वाली जो बैकलाइट है वो, उसका जो ऑरेंज कलर का लाइट है वो मैं आपको निकाल के अभी दिखा भी दूंगा कि किस टाइप का वो लाइट होता है और कौन से हम इसमें लाइट्स चेंज करने वाले हैं। तो ये देखिए मीटर हमारा कंप्लीट वर्किंग है, ये मैं स्पीड भी आपको इसमें चला के दिखा देता हूँ। ये देखिए स्पीड भी परफेक्ट वर्क कर रही है। तो ये रही बैकलाइट, ये ओरिजिनल वाली बैकलाइट ये है जो इस मीटर में से निकली थी।
और जिसकी लाइटें बिल्कुल सही हैं। तो इसकी जो बैक लाइट है वो हम निकालेंगे। निकालने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा ध्यान से निकालना पड़ता है, बहुत नाजुक होती है, थोड़ा सा भी गलत तरफ प्रेशर लग गया तो तुरंत टूट जाती है। और ये देखिए, ये है इसकी वो लाइट जिसके ऊपर से हम ये 6 के 6 बल्ब उतार के और इसमें हम सियान ब्लू वाले लगाने वाले हैं। हो सकता है कुछ अगर ग्लो कम रहता है तो मैं इसके जो काउंट्स है बल्ब के वो थोड़े बढ़ा देता हूँ, क्योंकि जगह मिल जाती है इसमें। तो ये हमने इसमें लाइट चेंज कर दिया है, इसमें लगा दिया हमने सियान ब्लू कलर, और मैं आपको ग्लो करके दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है सियान ब्लू कलर, स्काई ब्लू जैसा दिखता है ये, और इसका ग्लो सच में बहुत अच्छा दिखता है KTM के मीटर्स में खासतौर से। तो ये जो डिस्प्ले इसमें हम लगाने वाले हैं, इसके पीछे से मैंने ये उतार लिया है और इसमें हम लगाने वाले हैं सियान ब्लू वाला लाइट। ये हमने ओके डिस्प्ले सियान ब्लू लाइट के ऊपर फिट कर दिया है, और अभी एक बार कनेक्ट करके आपको चला के दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ग्लो कितना अच्छा आ रहा है। अभी हम इसके कनेक्शन कुछ इस टाइप से करेंगे ताकि इसका कोई भी सर्किट का कोई भी पार्ट हीट ना हो, कुछ ना हो, तो इस चीज़ में थोड़ा टाइम लगने वाला है। तो इससे मैंने ये चीज़ थोड़ी स्पीड में निकाल दिया, बट पूरा स्किप नहीं किया ताकि आपको भी थोड़ा बहुत देखने के लिए मिल जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे आपका कोई मीटर रिपेयर कराना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर वीडियो बनाकर भेजिए, और वीडियो भेज के ही कॉल कीजिए। कॉल नहीं करेंगे तो आपको व्हाट्सएप पे कोई भी रिप्लाई नहीं मिलेगा, तो इसलिए कॉल करना ज़रूरी है। और मेरे चैनल पे बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ देखते हैं और चले जाते हैं, तो प्लीज़ भाइयों सब्सक्राइब भी कर दो, लाइक शेयर कमेंट तो करते ही रहिए। सब्सक्राइब कर रखा है तो प्लीज़ बेल आइकन ऑन कर लीजिए। बेल आइकन ऑन करने से मेरा कोई भी वीडियो रहेगा, मैं कोई फालतू वीडियो तो बनाता नहीं हूँ कि ओ भाई वाले उसमें इस टाइप के कमेंट्री करता रहूँ, ऐसा कुछ नहीं है। जो है जैसा है वैसा मैं बोल देता हूँ। नॉर्मल लाइफ में जिस तरीके से बात करता हूँ मैं, सेम मैं यूट्यूब पे भी वैसा ही हूँ। तो मीटर हमारा आप देख सकते हैं कि काम किस टाइप का रहता है मेरा। कोशिश करता हूँ जितना ज़्यादा जेन्युइन हो सके उतना ज़्यादा जेन्युइन करूँ, कोई जुगाड़बाजी ना हो, क्योंकि जुगाड़ एक ना एक दिन जाके ख़राब हो ही जाते हैं। तो ये हो गया हमारा मीटर ओके। तो फ्रेंड्स सपोर्ट कीजिए, आपके सपोर्ट की ज़रूरत रहती है। व्यूज़ वगैरह बहुत कम रहते हैं आजकल, काफ़ी चैनल डाउन चल रहा है, तो आप सबका सपोर्ट रहेगा तो कुछ अच्छा कर पाऊँगा। और एक चीज़ का और भी वादा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, भले ही 2 साल लगे, 10 साल लगे, कितना भी लगे, बाकी जिस दिन मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए, मैं सच बता रहा हूँ किसी को भी कहीं पे मीटर रिपेयर कराने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं घर पे आपको मीटर रिपेयर करवा दूँगा। हाँ भाइयों, मैं सही कह रहा हूँ, मैं सच में सोच रहा हूँ फ्री कोचिंग स्टार्ट करने के लिए, बट फ्री कोचिंग मैं तभी स्टार्ट करूँगा जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। आपको पूरी तरीके से डिटेल दिया जाएगा ताकि आपका कोई भी उल्लू ना बना पाए और कोई भी सामान आपका ना बदल दे। तो उसके लिए आपको क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं वो सब भी मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा शिकायत आ रही है कस्टमर लोगों की कि यहाँ पे मीटर दिया था और फिर मेरे पास जब मीटर आता तो देखता हूँ कि अंदर सामान ही कुछ और बदल के दे दिया उन्होंने। तो इस टाइप के काम ना हो दोबारा, उस चीज़ के लिए मैं पूरा आप सबको रेडी करने वाला हूँ, पर वो सब होगा जब मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए, यह है फाइनल वीडियो, वीडियो देखिए, मीटर देख लीजिए क्या कंडीशन में रिपेयर हो गया है। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो ताकि उनका भी मीटर ख़राब हो तो वो भी मैं रिपेयर कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में मेरे साथ, इसी तरह की और भी वीडियो मैं लेके आता रहूँगा। और आपका कोई भी सुझाव हो या आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कॉल करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके पता कर सकते हैं। बस व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज करेंगे तो कॉल ज़रूर कीजिएगा, उसके बाद कॉल नहीं तो रिप्लाई नहीं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।